तो यार ये पार्ट टू है शायरी ऐप में फेवरेट बटन ऐड करने के बाद कुछ ऑप्शंस रह गए थे, आपके बहुत सारे डाउट्स थे, तो उस वीडियो को पहले देखो और यहाँ पे आओ। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो हम लोगों ने फेवरेट बटन यहाँ पे लगाया हुआ, देखो फेवरेट को हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं और एक बटन हम लोग नीचे लिए जिससे हम लोग पहुंच रहे थे फेवरेट एक्टिविटी में। तो सबसे पहले मैं आपको फेवरेट एक्टिविटी आज दिखा देता हूँ कि हम लोग नो शायरी, इसने दिखा दी कि शायरी अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया था। ठीक है, तो मैं बैक करता हूँ। देखो जी, मैंने एक शायरी फेवरेट में डाली, आप देखोगे यहाँ पे इसका कलर चेंज हुआ और शायरी फेवरेट पे चली गई। तो मैं जब फेवरेट पे जा रहा हूँ, ध्यान से देखो इसका लेआउट चेंज हो गया बिल्कुल, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा। यहाँ पे प्ले भी चलेगा, कॉपी भी चलेगा और शेयर भी चलेगा। फिर यहाँ पे फेवरेट की जगह कौन सा ऑप्शन आ रहा है, रिमूव का। जब इस पर क्लिक किया आप देखोगे ब्लैंक हो गई, जब बैक किया बैक आए तो यहाँ पे भी देखोगे कि ये जो फेवरेट में हम लोगों ने आइकन डाला था वो भी रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली। अब सेकंड वाली को ऐड करके देखते हैं एक बार, तो ये ऐड हो गई, फेवरेट पे गए और यहाँ पे देखो ये सेकंड वाली ऐड हो गई। मैं इसको बैक करता हूँ एक बार, आप देखोगे यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे फेवरेट है। और यहाँ पे मैं वापिस से जा रहा हूँ, इसको रिमूव करते हैं, बैक में आते हैं, तो आप देखो यहाँ से रिमूव हो गया। इसको भी डालो, इसको भी डालो, इस तरह से आप दो तीन डालो, इसके बाद फेवरेट एक्टिविटी पे जाओ। तो आप जैसे जाओगे यहाँ पे देखो, यहाँ से रिमूव किया तो ये रिमूव हो गई, इसको भी रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया, सब कुछ रिमूव हुआ, आप बैक आ गए। ठीक है, तो यही काम आज हम लोग करने वाले हैं, सारा का सारा जो फीचर बताया यही करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर आपकी जो कमेंट आते हैं ना, आपके जो सजेशन आते हैं उसी के ऊपर वीडियोज बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यार आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला, क्योंकि हम लोग जो फेवरेट बटन हम लोग ने बनाया था ना, तो इस पे क्लिक करने पे हम फेवरेट एक्टिविटी पे हम लोग हमारी शायरी पहुंचा रहे थे, लेकिन वो शायरी कुछ इस तरह से दिख रही थी सिंपल सी और उसको हम रिमूव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फेवरेट बटन का जो आइकन है जब क्लिक करें तो वो चेंज हो जाए और वो वैसा ही रहे जब तक हम लोग फिर से फेवरेट बटन पे क्लिक ना करें और या फिर उसको रिमूव ना करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे, फेवरेट बटन पे क्लिक करके हम लोग इसको फेवरेट लिस्ट में शो कर रहे थे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर भी चेंज करेंगे, यानी कि इस आइकन को भी चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या आएंगे, सबसे पहले ये सेकंड पार्ट सारा का सारा आपका सॉल्यूशन कर देगा, इसमें हर चीज आपकी कवर हो जाएगी, तो इसको देखते रहिए ध्यान से। ठीक है, ड्रॉएबल में जाएंगे, है ना, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक वेक्टर सेट ले लेंगे, एक रेड कलर का ले लेंगे। ठीक है, तो फेवरेट हमारे पास आ गया, इसको हम लोग रेड कलर में ले लेंगे। ठीक है, फेवरेट, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेड। ठीक है, तो रेड हमारे पास आ गया। तो अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें अभी, तो फेवरेट यहाँ पे रेड हो जाएगा, जब हम लोग क्लिक करेंगे ना तब इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे वही रहने देता हूँ जो है, अब इसके साथ हम लोग काम करेंगे। तो ये सारा काम कहाँ पे हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने यहाँ पे प्ले बटन भी लगाया हुआ, इसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो। और यहाँ पे फेवरेट बटन पे हम लोगों ने अभी काम करना है। तो हम लोग जैसे अडेप्टर पे आए, तो यहाँ पे देखो फेवरेट बटन पे क्लिक करने पे हम लोगों ने काम करवाया हुआ है, हम लोगों ने ऑफलाइन स्टोरेज में इसको सेव करवा के रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे फेवरेट बटन पे क्लिक हो, हम चाहते हैं कि जी ये फेवरेट बटन पे सेव हो जाए, है ना। तो हम लोगों ने ये कोड लिखा हुआ था, जहां जहां हम लोग यू एडिट दिस शायरी टू फेवरेट क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो शो करा रहे हैं मैसेज, वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन स्टोरेज डॉट पुट स्ट्रिंग, देखो अभी पुट स्ट्रिंग करने वाले हैं हम लोग फिर से, और इस स्ट्रिंग का नाम क्या रखेंगे, लाइक्ड, इस स्ट्रिंग का नाम रखेंगे लाइक्ड। और इसके कोमा के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू डालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यस, मैंने लिख दिया। तो लाइक के लिए मैं इसको यस में सेव कर रहा हूं, जब हम इसको रिमूव करेंगे ना लाइक को, तो हम लोग इसको नो कर देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमारी शायरी यहाँ पे पुट है, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे, अच्छा आप एक काम और कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी ही फेवरेट के अंदर सेव करके रखा है शायरी को, मतलब ये शायरी सेव हो चुकी है। तो जैसे क्लिक हो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो होल्डर डॉट, जो हमारा फेवरेट बटन है, डॉट सेट। अब देखो यहाँ पे जो ड्रॉएबल है, राइट ड्रॉएबल हमारे पास है,
सेट ड्रॉएबल तो यहाँ पे आप ये देखो, तो यहाँ पे ड्रॉएबल लेफ्ट, ड्रॉएबल टॉप, ड्रॉएबल राइट हमको चाहिए, तो हम लोग इसको नल करेंगे, इसको भी नल करेंगे, टॉप भी हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए ड्रॉएबल राइट। तो ड्रॉएबल राइट में हम लोग ड्रॉएबल सेट करेंगे, तो इसमें किस तरह से करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है एम कंटेक्स्ट लेना है सबसे पहले, सॉरी कंटेक्स्ट आपने लेना जो ऊपर लिया होगा ना आपने कंटेक्स्ट, वो लेना है, डॉट आपने लगाना है, गेट ड्रॉएबल आपने करना है, ठीक है, गेट ड्रॉएबल आपने करना है, और ड्रॉएबल के अंदर हम लोग ड्रॉएबल लेने वाले हैं अभी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, तो ये हमारे पास है रेड लिखते हैं तो फेवरेट रेड हमको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिया लेकिन ये चल नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसके मैं कोमा में बॉटम को भी नल कर देता हूँ पहले, तो फिर देखते हैं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, गेट ड्रॉएबल में हमने, तो ये एनोटेशन कुछ बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो आप, और ये लॉलीपॉप के लिए यहाँ पे बता रहा है एंड्रॉइड लॉलीपॉप के लिए, तो आप इसका नोटेशन यहाँ पे लगा दो, ठीक है, सो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट एपीआई यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तो अभी भी एरर नहीं गया, तो अभी ये चला जा चुका है, आप इनको इस तरह से रिमूव कर सकते हो अल्ट प्लस एंटर से, ठीक है, तो हम लोगों ने इसका ड्रॉएबल जो है वो हम लोगों ने रेड सेव कर दिया अभी, ठीक है, ड्रॉएबल हम लोगों ने रेड सेव कर दिया यहाँ पे, तो ये कब सेव किया हम लोगों ने, जब हम लोगों ने मैसेज शो करवाया था कि हाँ शायरी को जब हम लोगों ने ऐड किया था तब हम लोगों ने इसको शो करवा दिया था, यहाँ पे नीचे भी हम लोगों को यही सेम काम करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी शायरी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दो जगह शायरी को ऐड कर रहे हैं, अब ये सेव हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग कट करके वापस से ऐप को ओपन करेंगे तब ये नहीं शो करेगा हमको, है ना, तो उसके लिए हमको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आपने डायरेक्टली यहीं पे आ जाना है बाहर, तो होल्डर पे हम लोगों ने एक कंडीशन यहाँ पे लिखनी है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ऑफलाइन स्टोरेज चाहिए, तो मैं इसको कट करके यहाँ बाहर ही ले लेता हूँ ताकि हम लोग इसको यहाँ भी यूज़ कर पाए, और इसको फाइनल कर देते हैं यहाँ से, ये फाइनल बन जाएगा, तो ये अब हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है अभी, ऑफलाइन स्टोरेज डॉट गेट स्ट्रिंग करनी है, अभी हम लोग चेक करेंगे देखो कैसे, तो हम लोगों ने सेव कैसे किया था, देखो स्ट्रिंग को तो हम लोगों ने फेवरेट के नाम से किया था ना, तो इस फेवरेट को कॉपी करेंगे, गेट स्ट्रिंग के अंदर फेव डाल देंगे, ठीक है, तो हम लोगों को फेवरेट मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से, इफ ऑफलाइन स्टोरेज डॉट गेट, ये फेवरेट गेट करेगा अभी यहाँ पे, अगर है डॉट मैचेज, किसके साथ मैच कर रहा है, तो शायरी डेटा के लिए हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई थी ना ऊपर शायरी डेटा की, उसके अंदर भी हम लोग जाएंगे डॉट गेट पोजिशन, यानी कि जिस पोजिशन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, यानी कि जिस पोजिशन पे हम लोग पहुंचे हैं, यानी कि जो व्यू कर रहा है ये दिखा रहा है हमको, उस पोजिशन पे डॉट डॉट लगाएंगे गेट शायरी, यानी कि जो शायरी हम लोग जिस पोजिशन पे देख रहे हैं उसको ऑलरेडी अगर यहाँ पे फेवरेट पे सेव किया जा चुका है, यानी कि ऑलरेडी फेवरेट है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सेम इस लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, एल्स कंडीशन पे आएंगे, अगर सेव नहीं है तब क्या हो, तब हम लोग इसको फिर से यहाँ से कॉपी करेंगे, और इस ड्रॉएबल पे आप देखो अभी भी एरर आ रहा है, तो आपने इस पे ये एल्ट प्लस एंटर करके आपके एनोटेशन लगा देने हैं, तो ये रिमूव हो जाएंगे, एल्स कंडीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको एल्स में डायरेक्टली हम लोग यही रख रहे हैं, तो जब ये अगर सेव होगा तभी रेड दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा, ठीक है, तो ये काम हम लोगों को करना था, पहले तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरी हमारी जो ये एक्टिविटी हम लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है, फेवरेट एक्टिविटी जिसके अंदर हम लोग ये फेवरेट का डेटा शो कर रहे हैं, तो वहां चलेंगे और वहां पे भी कुछ फीचर्स ऐड करेंगे रिमूव करने का भी और ये जो भी है सारे, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, तो ऐप यहाँ पे बिल्ड हो रही है,
तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हमारी ऐप रन हो चुकी है और देखो यहाँ पे लोड हो रहा है डेटा फायरबेस से। तो देखो अभी यहाँ पे फेवरेट पे कुछ भी हमको रंग वगैरह कुछ भी चेंज होकर के नहीं दिखा रहा है ना। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फेवरेट पे ऐड करता हूँ, शायरी एडिट इन फेवरेट। अच्छा इसको बार फिर से एक बार रन करते हैं, शायद ये सेव नहीं हुआ और जो भी हम लोगों ने कोड किया है। ठीक है एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये रन हो चुकी है और यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं ना तो ये शायरी ऑलरेडी इन फेवरेट दिखा रहा है लेकिन इसका आइकन चेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्लिक करने पे भी चेंज नहीं हो रहा। डॉट सेट ड्रॉएबल, चलिए इसका एक सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ड्रॉएबल हम लोग किस तरह से सेट करेंगे, तो इसको यहाँ पे हम लोग नेट में ही सर्च कर लेते हैं। ठीक है तो ये सब आपको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो सेट तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाएगा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ड्रॉएबल इमेज और यहाँ पे इस तरह से सेट किया हुआ है, सेट कंपाउंड ड्रॉएबल विद इंस्ट्रक्ट बाउंड्रीज। तो इस तरह से ये सेट किया हुआ है इन्होंने। तो एक बार इसको इस तरह से डाल करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है तो यहाँ पे होल्डर डॉट फेवरेट बटन, तो यहाँ पे हम लोग जीरो करेंगे और हमको शो कहाँ पे करना है राइट में। तो यहाँ पे आर डॉट ड्रॉएबल डॉट रेड हम लोगों ने ले लिया। तो हाँ अब ये वर्क कर रहा है। ठीक है तो ये कोड में कोई एरर नहीं आ रहा। इसी को हम लोग नीचे वाले इसमें भी सेव कर देंगे सिंपल है ना। तो यहाँ पे भी कंडीशन के अंदर भी इसको डाल देंगे। अच्छा ये कोड आप ध्यान से देख लो एक बार, जिस तरह से मैंने किया ना उसी तरह से आपको सेम करना है। ठीक है तो यहाँ पे इसको रन होने देते हैं और इस शायरी ऐप का मैं सोर्स कोड आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ से इसको देख भी सकते हो कोड किस तरह से किया हुआ है। लेकिन वीडियो देख करके ही आपको समझ आएगा, कोड देख करके आपको ऐसा लगेगा कि किया क्या है यहाँ पे। ठीक है तो वीडियो देखना जरूरी है। तो इसको रन किया हम लोगों ने, अभी देखते हैं क्या दिखाता है हमको। तो ऐप रन हो चुकी है और यहाँ पे तो चलिए एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेड पे क्लिक हो गया। ठीक है तो मैं एक बार टॉप में आता हूँ, शायरी ऑलरेडी इन फेवरेट आ रहा है, शायरी ऑलरेडी इन फेवरेट आ रहा है और जो हम लोगों ने अभी की थी ना वो रेड पे आ चुकी है। तो एक बार मैं कट करता हूँ आपको है ना, फिर से इसको एक बार ओपन करते हैं, फिर देखते हैं जो हम लोगों ने ऐड की थी वो रेड में आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो ये कंडीशन में वर्क नहीं कर रहा, मतलब जिस शायरी को हम लोग जैसे अभी ऐड करेंगे ना तो न्यू शायरी जब ऐड हो रही है तब ये आ रहा है, न्यू शायरी जब ऐड हो रही है, लेकिन जो ऑलरेडी शायरी एडिड है उसके ऊपर ये नहीं आ रहा है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चेक कर रहे थे कि फेवरेट पे जो है ऑफलाइन शायरी डॉट कैट स्ट्रिंग हम लोगों ने दी थी डॉट मैच किसके साथ मैच करी, जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके साथ, तब ये क्या करे ड्रॉएबल में रेड शो कर दे। तो हम लोग अभी इसको यहां से कट करता हूँ और यहाँ पे नीचे आते हैं क्योंकि यहाँ पे होल्डर में सेव हो जाएगी। ठीक है होल्डर जो टेक्स्ट व्यू हमारा होगा ना तो उसके अंदर तो सेव हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे मैच कर लेंगे टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट के साथ। देखो क्योंकि टेक्स्ट व्यू के अंदर भी वही चीज सेव होगी जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे होल्डर डॉट
जो शायरी टेक्स्ट है जिसके ऊपर हम लोग सेव कर रहे हैं डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे, तो ये सेम यहीं पे हमको मिल जाएगा। तो जो होल्डर के अंदर हमारा सेव हो रहा है वही के उसी के साथ हम लोग उसको मैच की तरह हम कंटेन कर दें। फिर अब देखते हैं कंटेन आपने करना है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर होता है तो हम लोग इसको रेड में शो कर देंगे, है ना। तो ये कोड हम लोगों ने लिखा है, तो अब सारे के सारे ही रेड में आने चाहिए क्योंकि हम लोगों ने सबको ही फेवरेट में ऐड करके रखा हुआ है। तो फिर से चेक करते हैं, तो हाँ अब ये सारे के सारे जिस जिनको हम लोगों ने यहाँ पे मतलब फेवरेट में ऐड करके रखा था वो रेड में आ रहे हैं। आप देखोगे इसको नहीं किया था, अब ये हो गया, इसको भी कर दिया। अभी देखो लगभग सारे के सारे हम लोगों ने फेवरेट पे ऐड कर दिए, अब इनको रिमूव भी करना है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान यहाँ पे रखो कि होल्डर में हम लोगों को क्या करना है, कंटेन यूज करना है, क्योंकि करेक्टर के लिए ना जो हम लोग स्ट्रिंग वगैरह यूज करते हैं उसके लिए कंटेन आपका ठीक रहेगा। मैचेस के लिए आप लोग जैसे कोई स्ट्रिंग वगैरह ले रहे हो तो उसको मैचेस के लिए आप वहाँ पे रख सकते हो, यानी कि नंबर वगैरह ले रहे हो। ऐसे लंबे लंबे टेक्स्ट के लिए आप लोग कंटेन यूज कर सकते हो, तो ये थोड़ा बहुत आपका एडजस्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है ना। तो अभी आपको पता चल गया कि किस तरह से उसको सेट रखना है, जो हम लोग हार्ट अभी यहाँ पे रेड कलर का हार्ट दिखा रहे हैं, फेवरेट दिखा रहे हैं, उसको परमानेंट कैसे रखना है जब तक हम उसको रिमूव ना करें, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि हमारी इस एक्टिविटी में ये इस तरह से दिखाएगा, हम जब भी इसको कट करके ओपन करेंगे ये ऐसा ही हमको दिखाएगा, ठीक है। तो इसको बैक करता हूँ शायरी ऐप में वापस आते हैं, तो ये हमको रेड ही दिखाएगा। अब इस रेड को रिमूव करना है, आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, जैसे ही इस पर क्लिक करो तब आप रिमूव कर सकते हो, है ना। जहाँ पे शायरी ऑलरेडी एडेड है उस पर क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये एक मतलब मेथड है जहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, आप चाहो तो यहीं से रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज क्योंकि ये बेस्ट मेथड एक ये रहता है, क्योंकि शायरीज तो आपके पास बहुत सारी होंगी, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि ढूंढते रहोगे कहाँ पे हमारा फेवरेट है, तो लंबी शायरी की लिस्ट होगी वहां से ढूंढोगे कौन कौन सा फेवरेट किया था, तो उसको वहां से रिमूव करना है। तो ये आप डाल सकते हो यहाँ पे भी, लेकिन इसका एक मेथड और रहेगा हमारा जो हम लोग अभी देखेंगे, वो है फेवरेट एक्टिविटी। तो फेवरेट एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने देखो किस अजीब तरीके से यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू शो कराया था। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि किस तरह से आपको शो करना है। अब आप लोग बोल रहे थे कि भाई इसको इसमें आपने लाइक बटन नहीं लगाया, इसमें शेयर बटन नहीं लगाया, तो ये आपका काम था, मैंने सिर्फ आपको टेक्स्ट शो करवा दिया वहां पे लिस्ट में। इस लिस्ट के ऊपर आपने सेम काम जैसे यहाँ पे अडेप्टर में किया था वैसे ही करना है। तो अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। सो आपने आ जाना है फेवरेट, देखो यहाँ पे फेवरेट अडेप्टर हमारे पास है, तो इस फेवरेट अडेप्टर पे हम लोगों ने क्या किया हुआ, इसमें डायरेक्टली हम लोगों ने एक चीज शो करवाई हुई है, जो भी शायरी हमारी फेवरेट है वो शो करवा करके रखी हुई है हम लोगों ने। अब इसमें हम लोगों को मैं आपको लेआउट भी दिखा देता हूँ जिसके ऊपर हम लोगों ने ये बनाया हुआ है। सो रिसोर्स में आते हैं, लेआउट में आते हैं, तो यहाँ पे फेवरेट शायरी, तो यही हम लोगों ने सिंपल सा रखा हुआ है शायरी टेक्स्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, शायरी में आएंगे ना, ये सेम हमको चाहिए वहां पे ना, तो इसी को शायरी को ही हम लोग क्या करेंगे, इसी के सारे इनको कॉपी करेंगे ना और फेवरेट शायरी में आ जाएंगे। फेवरेट शायरी में आने के बाद ये फेवरेट शायरी टेक्स्ट याद रखना आप, है ना, इसको कॉपी कर लेना कहीं पे, ये नाम जो रखा था हम लोगों ने, इसको मैंने इस तरह से कर दिया पेस्ट। इसके ऊपर आप हम लोगों ने ये रखना है फेवरेट, तो इसको आप लोग चाहो तो फेवरेट अडेप्टर से भी देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने नाम रखा हुआ था, ये नाम हम लोगों ने यहाँ पे रख देना है। सेम हम लोगों ने सेम डिजाइन बना दिया, जो हम लोगों ने शायरी में बनाया था वही डिजाइन यहाँ पे बना दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अब फेवरेट को यहाँ से फेवरेट की जगह हम लोग लिखेंगे रिमूव, ठीक है। अब हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करें तो मतलब ये रिमूव हो जाए, प्ले का बटन भी हमको चाहिए, हमको शेयर भी चाहिए, हमको कॉपी भी चाहिए, ठीक है। रिमूव बटन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, इसकी जो आईडी यहाँ पे है फेवरेट यहाँ पे बटन लिखा हुआ है ना, फेवरेट बटन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिमूव। इतना काम किया फेवरेट अडेप्टर में आगे, अब यहाँ पे ये सारे व्यूज को लेना पड़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या यहाँ पे है। एक टेक्स्ट व्यू है, एक दो तीन चार यहाँ पे बटन है, एक टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू तो ले लिया है लेकिन चार बटन हमारे पास नहीं है अभी तक, तो बटन लिखेंगे और नाम देते जाएंगे इनका। शायरी को हटा देते हैं यहाँ से,
फेवरेट का आप नाम देंगे। ठीक है, तो इनके नाम क्या क्या हम लोगों ने रखे हैं, सेम रख सकते हो आप नाम जो हम लोगों ने शायरी में रखे थे, वही नाम यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, ये अलग अलग व्यूज को लेगा। ठीक है, तो कॉपी बटन के लिए हम लोग कॉपी बटन ले लेंगे, कोमा करेंगे, प्ले के लिए हम लोग प्ले बटन ले लेंगे, इसको भी पेस्ट करेंगे, शेयर के लिए ले लेते हैं पहले, शेयर के लिए हम लोगों ने कोमा करके शेयर बटन भी ले लिया। वैसे ही हम लोगों ने रिमूव के लिए यहां से कॉपी करके रिमूव वाला बटन भी यहां पे कोमा करके ले लिया, तो अभी सारे के सारे हमको बटन मिल गए। अब इनको इनिशियलाइज यहां पे करना है, तो हम लोग कॉपी बटन से स्टार्ट करते हैं, कॉपी बटन इक्वल टू, अच्छा मैं इसको पॉज कर देता हूँ, इनिशियलाइज मैं इन सबको करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, सभी व्यूज के मैंने नाम दे दी जो हम लोगों ने फेवरेट शायरी में, आप चाहो तो इनके जो ये नाम रखे हुए हैं ना इनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे रखे हैं जो शायरी में भी सेम रखे थे हम लोगों ने वो भी आप यूज कर सकते हो। हम लोगों ने सिर्फ रिमूव का चेंज किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट काम करवाने वाले, बाकी प्ले वगैरह में तो वही काम है, तो आप चाहो तो सेम रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबके नाम दे दिए, आप सबके ऊपर काम भी तो करवाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग काम कैसे करवाएंगे, अडेप्टर में आएंगे क्योंकि यहाँ पे अडेप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी काम करके रखा हुआ है सारा का सारा ना, तो वही हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे भी एड मोब के एड्स शो करवा सकते हो, उसके लिए वीडियो जो मैं पहले किया था काम वही आपने वहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे मेन काम हमारा आएगा जो ऑफलाइन स्टोरेज का है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोगों ने शायद लिया होगा, यहाँ पे नहीं लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट में डायरेक्टली शो किया, तो ये भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो ऑफलाइन स्टोरेज के थ्रू भी हमको काम यहाँ पे होगा, तो मेन इस पे आते हैं, अडेप्टर पे आते हैं वापस से, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन हम लोगों को लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, कॉपी करेंगे, फेवरेट अडेप्टर पे आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे इस कंडीशन को सेम टू सेम, तो फेव रिमूव बटन जो हमारा था, फेव रिमूव बटन, तो इसका स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना। ठीक है, शायरी टेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे रखा, तो फेवरेट टेक्स्ट इसका नाम है यहाँ पे, तो इसको हम लोग अभी इसके थ्रू चेक करेंगे, इसके अंदर जो जो हमारी फेवरेट शायरी रहेगी यहाँ पे जो जो नाम लिखा होगा ना वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने चेक कर लिया यहाँ पे क्या ऑलरेडी सेव है ऑफलाइन स्टोरेज में, तो है, तो यहाँ पे भी तो हम लोगों को फेवरेट शायरी में भी तो ये कलर दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे सेव है, जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही रिमूव होगा वैसे ही हम लोग इसको लिस्ट से भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये काम मेन हमारा यहाँ पे रहेगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड काम है थोड़ा सा, आप ध्यान से इस वीडियो को देखो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि सारा कोड आपको अच्छे से दिखे, है ना, ये काम हम लोगों ने कर लिया। वैसे ही अडेप्टर पे आएंगे तो फेवरेट बटन पे क्लिक करने पे हम लोगों को कोई काम नहीं करवाना, ये सारा कुछ भी काम नहीं कराना, हम लोगों ने डायरेक्टली इसको रिमूव करवाना है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। प्ले बटन को ले लेते हैं यार यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को प्ले भी करवाना फेवरेट में ना, तो लो फेवरेट में हम लोगों ने प्ले भी करवा दिया। अब इसको एक्टिविटी चाहिए, देखो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको एक्टिविटी चाहिए, तो यहाँ से आपने क्या करना है, कंटेक्स्ट हमारे पास है, आप यहाँ पे एक एक्टिविटी ले लो और इसका नाम एक्टिविटी दे दो, है ना, और इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ से रिमूव करते हैं, अल्ट इंसर्ट दबाते हैं, कंस्ट्रक्टर पे आते हैं, सारे के सारे लेते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक्टिविटी भी आ जाएगी। अब ये आपको एरर देगी, देखो कहाँ पे एरर देगी, ये आपको एरर देगी फेवरेट एक्टिविटी में, देखो यहाँ पे एरर देगी क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी भी आप डालनी पड़ेगी, सो ये एक्टिविटी सेकंड नंबर पे मांग रहा है, तो सेकंड नंबर पे हमको एक्टिविटी देनी है, तो एक्टिविटी कौन सी है, फेव एक्टिविटी डॉट दिस लगा दो और कोमा लगा दो, तो ये काम हो जाएगा। इनकी आपने जो देखो सिक्वेंस दिया ना, पहले हम लोगों ने कंटेक्स्ट यहाँ पे दिया है, फिर एक्टिविटी दी है, फिर यहाँ पे फेवरेट लिस्ट दी है, सेम यहाँ पे देखोगे पहले कंटेक्स्ट है, एक्टिविटी है, फिर फेवरेट लिस्ट है, तो इनको अगर आप आगे पीछे करते हो ना तो यहाँ पे भी आपको आगे पीछे डालना पड़ेगा उस हिसाब से, उसी सिक्वेंस में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक्टिविटी अब दे दी, तो एक्टिविटी यहाँ पे चल पड़ी। ठीक है, तो हम लोगों ने शायरी डेटा तो फेवरेट लिस्ट से हम लोग ले रहे हैं ना, तो गेट पोजिशन की यहाँ पे हम लोगों को शायद, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाई ना तो यहाँ पे पोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप स्ट्रिंग की लिस्ट बनाते हो ना तो आपने डायरेक्टली ही यहाँ पे देना होता है गेट पोजीशन, और आपने गेट आगे जाकर के टू जो भी आपका स्ट्रिंग वगैरह है वो नहीं देना, आपने डायरेक्टली यहाँ से ही उठा लेगा स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग की बना रहे हैं ना, तो ये आपने डायरेक्टली यहाँ पे काम करना है, ध्यान से देखना इस चीज को। और इसके अलावा हमें प्ले बटन हम लोगों ने लगा दिया, इसके अलावा हमारे पास रहता है एक कॉपी बटन, कॉपी बटन भी लगा देते हैं, है ना, कॉपी बटन को कॉपी किया और यहाँ पे फेवरेट अडेप्टर में इसको भी डाल दिया, तो यहाँ पे भी सेम आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हम लोग
गेट शायरी को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग ली है सिंपल सी, तो फेवरेट लिस्ट हमारी स्ट्रिंग की, तो सिर्फ गेट पोजिशन से हमको मिल जाएगा, बाकी ये कॉपी कर लेगा। इसके बाद एक हमारा रहता है शेयर का, तो शेयर वाला भी ले लेते हैं। और शेयर में आपको एक चीज़ और बताता चलूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पहले की हमारी वीडियोज जिन्होंने देखी है उनको, क्योंकि वो पुरानी वीडियोज थी, अभी लेटेस्ट जो एंड्रॉयड चल रहा है ना, इसको हम लोग पहले पेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी सेम काम आपने करना है, गेट शायरी को रिमूव करना है और यहाँ पे फेवरेट लिस्ट से हम लोग जो भी हमारी टेक्स्ट होगा उसको शेयर करें, शेयर करेंगे। देखो बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत यहाँ पे आएगी, देखो ये जो इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसमें दिक्कत आएगी बहुत सारे लोगों को। आपने देखो अगर आपका एंड्रॉइड अगर लेटेस्ट एंड्रॉइड पे रन करो ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, आपने जस्ट यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट इंटेंट बनाया है इसको पुट करना है, ठीक है। सेम काम मैं अडैप्टर में भी कर देता हूँ, हो सकता है कि मेरे एंड्रॉइड पे ये क्रैश करे, तो ये डिपेंड करता है। देखो मैं यहाँ से फिर इसको चेक भी कर लेंगे हम लोग अभी यहीं पे, टेक्स्ट इंटेंट इसने डाल दिया, मैंने अडैप्टर में भी डाल दिया आज, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, ये चीज़ आपको करनी है अगर आपकी ऐप क्रैश हो रही है शेयर बटन पे क्लिक करने पे, अगर नहीं हो रही है तो उसको आप डायरेक्टली यूज़ करते चलो, ठीक है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप कर लो, फिर हम लोग चेक भी करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, है ना। तो शेयर का काम हो गया, कॉपी का काम हो गया, प्ले का काम हो गया, अब हम लोग यहाँ पे ऊपर भी ऊपर थोड़ा सा जाके फेवरेट का काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल्डर डॉट फेव बटन रिमूव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब इसके अंदर सीधा रिमूव करेंगे हम लोग, कैसे रिमूव करेंगे, अब फेवरेट के अंदर तो वही शायरीज आएंगी जिनके ऊपर हम लोगों ने मतलब रेड डॉट शो हो रहा होगा और जो फेवरेट में है ऑलरेडी वही शो होंगी हमको, है ना। तो फेवरेट के अंदर वो शो है, अब जब रिमूव पे हम लोग क्लिक करें तो उनको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना, किससे रिमूव करना, पहले एक बात ध्यान से देखो, फेवरेट लिस्ट से रिमूव करना है। मैंने आपकी बात मान ली कि फेवरेट रिमूव से हम लोगों ने इस लिस्ट से रिमूव करना है, तभी जो लिस्ट हमको यहाँ पे शो हो रही है वहां से ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो लिस्ट में है वहां से ही रिमूव हो जाएगा, लेकिन उस लिस्ट को हम लोगों ने ऑफलाइन स्टोरेज के अंदर डाला, वहां से तो रिमूव नहीं होगा। अगर आप ऐप को कट करके वापस ओपन करोगे तो वो दिखने लग जाएगा, उसके लिए क्या करना है, देखो रिमूव पे आना है आपने। सबसे पहले आपने लिस्ट से रिमूव करना है, देखो आपने उससे रिमूव नहीं करना है, सबसे पहले आपने इस लिस्ट से रिमूव करना है। तो आपने फेवरेट लिस्ट यहां पर लिखना डॉट गेट पोजिशन डॉट यहाँ पे आपने देखिए किस तरह से रिमूव करना है हमने, तो यहां से आपने लिखना है नोटिफाई आइटम रिमूव और इस पे आपने दे देना है पोजीशन, ठीक है। नोटिफाई आइटम रिमूव किया, नोटिफाई पोजीशन भी आपने करना। देखो यहां पे एक चीज आई है हमको, नोटिफाई आइटम रेंज चेंज्ड। इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं यहां पे कि जब हम लोग इस लिस्ट से कोई आइटम को रिमूव कर रहे हैं, जैसे सेकंड नंबर पे ये चीज थी इसको हम लोगों ने रिमूव किया, तो एंड्रॉइड के लिए जो होगा नंबरिंग चेंज हो जाएगी। सेकंड नंबर से रिमूव हुआ तो वो फिर से जीरो से काउंट करना स्टार्ट करेगा, वो जो आपकी लिस्ट नीचे शो हो रही होगी ना तो उनके नंबरिंग चेंज हो जाएगी। तो आपने मान लिया कि आपने इसको रिमूव किया, आपने कॉपी बटन दबाया, पहले वाले शायरी पे कॉपी होगी दूसरी शायरी, तो ये मिसकन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाती है रिसाइकल व्यू को। तो इसके लिए आपने आइटम रेंज चेंज भी आपने लगाना और इसके अंदर दो पैरामीटर्स आपको देने, जो स्टार्ट पोजीशन यानी कि जहां से हम लोग पोजीशन दे रहे थे वो, और एक साइज आपको देना, तो जो लिस्ट है आपकी डॉट साइज दे देना, तो ये फिर से उसको अरेंज कर देगा आपने इसके हिसाब से, है ना। तो यहां पे फेवरेट लिस्ट डॉट रिमूव और इंडेक्स आपने देना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज आती है, देखो इंडेक्स जो होता है ना हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो हम लोग एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे रिमूव पे हम लोग दे देते हैं पोजीशन, है ना, मेरे को जहां तक याद है यहां से हम लोगों को पोजीशन
माइनस वन देना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी पोजिशन यानी कि वन है ना, तो वन से जीरो में भी एक शायरी होती है। तो आप जब रिमूव कर रहे थे ना, जैसे आपने जीरो पे क्लिक किया, तो जीरो पे हम लोगों को पोजिशन डॉट माइनस ये करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले ऐसे ही करता हूँ सिंपल सा, है ना, हम लोगों ने फिर देखते हैं, अगर एरर आता है तो फिर बाद में देखते हैं, अगर नहीं आता तो ये इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले फेवरेट लिस्ट से इसको रिमूव किया, फिर आइटम को हम लोगों ने नोटिफाई कर दिया रिसाइकल में, क्योंकि रिमूव कर दिया तो आप हटा दो उसको। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि नोटिफाई आइटम रेंज चेंज हो गई है तो लिस्ट को रीअरेंज कर दो, वो हो गया। इसके बाद हम लोग एक चीज और करेंगे, जो ऑफलाइन स्टोरेज हमारी है, डॉट रिमूव की आपने देनी है डायरेक्टली। अब देखो रिमूव किसको करना है, हम लोगों ने ध्यान से देखो रिमूव किस चीज को करना है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, गेट स्ट्रिंग ले रहे थे फेवरेट, तो यहां पे सो रिमूव हम लोगों को किस चीज को करना है यहां से, देखो ऑफलाइन स्टोरेज में क्योंकि हम लोगों ने पूरी की पूरी लिस्ट डाली हुई है, तो हम लोगों को उस लिस्ट को लेना पड़ेगा पहले, मतलब जो अभी नई लिस्ट बनेगी ना हमारी। देखो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया सब कुछ, तो अब नई लिस्ट जो बनेगी वो फेवरेट लिस्ट में आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट यहाँ पे पुट स्ट्रिंग लिस्ट हम लोग करेंगे, और इसका नाम क्या देंगे, देखो स्ट्रिंग लिस्ट हम लोगों ने क्या डाली थी, तो आप लोग यहाँ पे भी देख पाओगे हम लोग फेवरेट एक्टिविटी में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो फेवरेट लिस्ट बनाई थी ना, वो कहाँ से ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे ऑफलाइन स्टोरेज डॉट गेट स्ट्रिंग लिस्ट, उसका नाम दिया था फेवरेट, तो हम लोग फेवरेट से ले रहे थे। तो फेवरेट पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फेवरेट कि इससे हम लोगों को पुट करना है, फेवरेट में पुट करना है, यानी कि जो ओल्ड लिस्ट थी ना उसके अंदर हम लोग फिर से पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, फेवरेट लिस्ट को पुट कर रहे हैं, यानी कि ओवरराइट हो जाएगी अपने आप ही, जो पुरानी लिस्ट होगी उसके ऊपर ये वाली लिस्ट आ जाएगी जिस लिस्ट में हम लोगों ने जो आइटम्स थे उनको रिमूव कर दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो इस स्टेप को, तो ये अब सेव हो जाएगी। अब इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, बाकी हमारी जो ये चीज है ना ये चेंज हो जाएगी अभी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कुछ एरर्स या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आप इस कोड को करते हो ना, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करो। अब ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर मैं सारे के सारे वीडियो, जो भी हमारा फेवरेट ऑप्शन है उसके ऊपर जितने भी सारे हमारे, देखिए अभी ऐप क्रैश हो चुकी है, जितने भी डाउट्स हैं सारे यहीं पर क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्रैश हुई, क्यों हुई देखते हैं क्यों हुई। लॉकेट में आते हैं, यहाँ पे हमारा शायरी ऐप है, तो देखो रिसाइकलर व्यू का ये एरर आ रहा है हमको, लेआउट मैनेजर मेन एक्टिविटी पे हम लोग हैं, तो सेट लेआउट मैनेजर में हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से रन करूँगा एक बार, है ना, रन करते हैं। अभी देखो ये रन कर रही है अच्छे से, हो जाता है कई बार इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, है ना, तो फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। कई बार एप्लीकेशन जो होती है ना आपकी बिल्ड होने से पहले ही रन हो जाती है, कई बार ये एंड्रॉइड की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पीसी की तरफ से, जो आपका पीसी है उसकी तरफ से हो सकती है, अदरवाइज ये अच्छे से काम कर रहा है। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया जी ऑलरेडी ऑन फेवरेट, तो हमको पता है कि सारी की सारी फेवरेट में है। देखो यहाँ पे एक बच चुकी है, बच गई कहाँ गई वो। अच्छा ये जल्दी जल्दी में हम लोगों ने इस तरह से किया ना, देखो ये सारी की सारी एडिट है, लेकिन आप जैसे, हाँ शायद एक रह गई थी, इसको भी डाल देते हैं। ठीक है, फेवरेट पे मैंने क्लिक किया, देखो सेम टू सेम आ गया, और इसको आप प्ले करोगे ना तो ये देखो प्ले होना भी लग जाएगी, तो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, यहाँ पे कॉपी करोगे ना कॉपी भी हो जाएगी। अच्छा पहले मैं ये इसको कॉपी किया, ठीक हो रहा है। शेयर पे मैंने क्लिक किया, शेयरिंग भी हमारी अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, कुछ भी एरर आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ। ठीक है, देखो अभी जो लकीरें वाली हमारी शायरी थी, ध्यान से देखना इस चीज़ को, इसको हम लोगों ने रिमूव किया, रिमूव कर दिया। आप देखोगे सारी है लेकिन लकीर वाली यहाँ पे नहीं है। मैंने इसको बैक किया, फिर से मैं फेवरेट के इसमें आता हूँ कि वो सेव तो नहीं रह गई थी पहले, तो लकीर वाली यहाँ पे नहीं मिलेगी, और यहाँ पे देखोगे कोई भी एरर नहीं आया हमको। मैं अगर कॉपी पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये एक सूरज ही जो हम लोगों ने कॉपी किया है वही आ रहा है या नहीं, क्योंकि हो जाता है कई बार ये जो
चीजें होती है ना यहाँ पे, आपकी जो मैंने एक चीज आपको यहाँ पे बताई आइटम रेंज चेंज जो है ना, तो वो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं ये वही वाली है या नहीं। एक सूरज था ये वही है, ठीक है, एक सूरज था वो ये वही आ रही है। इसका मतलब ये हमारा लिस्ट में जो है सब कुछ अपडेट हो चुका है। तो देखो हर चीज हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली, किस तरह से हम लोग इस रेड कलर के इसको दिखा सकते हैं, है ना। और जो हम लोगों ने एक जो अभी जो एक ऊपर टॉप में थी हमारी, उसको हम लोगों ने रिमूव किया ना, तो आप यहाँ पे आओगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये लकीरें वाली हम लोगों ने रिमूव की हुई है, लेकिन यहाँ से रिमूव नहीं हुई, इसको मैं यहां से कट करता हूँ, क्योंकि देखो ये आपकी तभी अपडेट होगी जब आप शायरी ऐप को वापस से ओपन करोगे। देखो देखो अब यहाँ पे ये फेवरेट नहीं दिखा रहा, दिया बुझने की फुर्सत, इसको मैं एक बार ऐड करता हूँ, ये ऐड नहीं हुई थी मेरे हिसाब से। तो अब देखो यहाँ पे ये जो वाली थी ना हमारी लकीरें वाली, तो ये अभी यहाँ पे हमको फेवरेट नहीं दिखा रहा। अब ये आप लोग क्या कर सकते हो ना, देखो जैसे ही आप एक काम कर सकते हो, इसको रिफ्रेश करने के लिए एक काम कर सकते हो, कि जो हमने देखा अभी कि हम लोगों ने फेवरेट से तो इसको रिमूव कर दिया, लेकिन ये जब हम लोगों ने फेवरेट से इसको रिमूव किया, अब देखो दिया वाली को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, हो गई रिमूव, हो गई। लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो दिया वाली शायरी थी यहाँ पे, देखो हर चीज डिटेल में बता रहा हूँ, कोई नहीं बताया गया तुमने डिटेल में। देखो दिया वाली अभी यहाँ से रिमूव नहीं हुई, यहाँ पे हमको ये रेड कलर का दिख रहा है, तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये लिस्ट रिफ्रेश नहीं हो रही है। तो इसको रिफ्रेश करने के लिए आपके एक काम कर सकते हो, तो इसमें एक काम आप कर सकते हो, जो मेन एक्टिविटी हमारी है ना, यहाँ पे आप आ सकते हो, ऑन रिज्यूम आप कर सकते हो। देखो ऑन रिज्यूम का मतलब हुआ कि आपने ऐप की जो ये स्क्रीन है ना आपकी, इसको छोड़ के आप दूसरी स्क्रीन में गए, तो ये स्क्रीन पॉज हो जाती है या फिर इसको स्टॉप हो जाती है। तो उसके बाद जब आप इसको वापस आते हो ना, तो ऑन रिज्यूम मेथड आपका रन होता है। तो ये मेथड मैंने कवर किया है अपनी बेसिक वीडियोस में, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो इसी मेथड में आप क्या कर सकते हो, ये जो कोड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना रिसाइकलर व्यू का, इसी कोड को आप यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पे डाल दो। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपने करनी है, ये वाली लाइन आपके यहाँ पे होनी चाहिए कि डबल बार यहाँ पे शो ना हो जाए कि हम लोग रिज्यूम पे कर रहे हैं, तो ये वापिस से डेटा ले रहा है, अगर इसको नहीं लगाओगे तो जो डेटा पहले था उसी में ये ऐड हो जाएगा, नया वाला वही सेम ऐड हो जाएगा, उसको क्लियर किया फिर ऐड हुआ। तो अभी देखते हैं इसको एक बार रन करके, देखो ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है यार। फिर देखते हैं अभी हमारा जो मकसद था वो कामयाब हुआ या नहीं, तो चलिए देखते हैं। वीडियो लंबी है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देखो ठीक है, हमारे पास एक दिया वाली है हमारे पास, और लकीरें वाली है जिनको हम लोगों ने ऐड नहीं किया हुआ है। तो दिया को भी ऐड करता हूँ, लकीरों को भी ऐड करता हूँ, फेवरेट में आते हैं। अब जैसे मैं बैक करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी लिस्ट, ठीक है। तो मैं फेवरेट पे वापस जाता हूँ, तो मैं दिया वाली को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव हो गई, बैक किया यहाँ पे आए, तो देखो दिया वाली से ही रिमूव हो चुकी है। पर इसमें एक चीज और हो जाएगी, देखो एक चीज यहाँ पे एक खतरनाक चीज और हो जाएगी, कि जैसे आपने लिस्ट को बिल्कुल लास्ट में हम लोग पहुंच गए अपने अंधे जी, अगर आपके लिए ठीक है कि भाई हम वापिस से बैक आए तो स्टार्टिंग से आपको शो हो जाए तब ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे अपने अंदर से हम लोग उनमें आए, अपने अंदर वाली शायरी थी, बैक वापिस किया, तो आप देखोगे टॉप में पहुंचा देगा हमको, जो अपने अंदर वाली थी लास्ट में थी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लिस्ट रिफ्रेश हो रही है, तो वो उसी पोजीशन पे आपको लेकर के नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से रिफ्रेश करवाना चाहते हो लिस्ट को, यानी कि आप रिज्यूम करो वापस आओ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है अपने आप रिफ्रेश होकर आपको स्टार्टिंग से दिखाए तब ठीक है, अगर आपके लिए ये चीज, तो आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज जो पहले हम लोगों ने रखा था सिस्टम की, हम लोग पूरी ऐप को कट करेंगे वापस आएंगे तब मेन स्क्रीन से वो फेवरेट वाला आइकन हट जाए, तो वो भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहीं तक की आज की वीडियो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।